आज अमित जी हैं हमारे है साथ एंड uh, ये बहुत ही एक सर्विसेज मेंटर है देशन से और वास्ट एक्सपीरियंस खुद भी एग्जाम दी है और खुद भी सिलेक्शन ली है बट इनका जो रुझान है वो बच्चों की मैंटरिंग और बच्चों की ट्रेनिंग ज्यादा है जी थैंक यू सर आपने बुलाया मुझे यहाँ पर तो जस्ट एक यू मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता है तो खुद एग्जाम जी, जी, ना जी. तो बच्चा जब तैयारी करता है स्टार्ट तो उसको क्या चाहिए क्योंकि हम देते हैं बच्चे जैसे तैयारी शुरू करते हैं तो किताबें बुक लिस्ट से की बुक लिस्ट से ले ली किताबों का ढेर लगा देते हैं और बस पढ़ना शुरू कर देते हैं सर इसमें एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है कि जो आपने जैसे बताया ना कि बुक्स का ढेर लग जाना तो ये एक चलन चल गया है नया ट्रेंड आया है कि बिना नोट्स के बिना बुक्स के पढ़ाई होती ही नहीं है और फिर जैसे जैसा जैसे सजेशन दे दिया है जो मार्केट में दिख गई उसी चीज़ को हम लेके आते हैं और हम उसमें स्कॉलर बनना चाहते हैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी हमें तो एक कंपटीशन है ये जिसे हमें क्वालिफाई करना है यू और हमें एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ साथ तो मेन है यू का फंडा ये है कि बुक्स से नहीं बल्कि एनालिसिस और उसके समझ से अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पॉइंट के थ्रू जैसे आप लाइफ को समझें या अपने एक पॉइंट को लेकर पूरी होल स्टोरी को समझ पाए कि भाई अगर आ, कोई भी चाहे हिस्ट्री में लें चाहे पॉलिटी में लें कि अगर हम एक पॉइंट को ले लें तो उसकी इर्दिर्द जितनी भी स्टोरी है उससे जुड़ी हुई जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे रिकॉल हो सके हमें समझ आ सके अगर हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करें और क्लासेस में हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हों तो हमारे तब वो तैयारी का थोड़ा सा पर्पज होता है कि हाँ अब हम ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं क्योंकि अगर हमारी समझ डेवलप नहीं होगी तो बुक्स का हम कुछ नहीं कर सकते बुक्स तो बहुत लोग पढ़ते हैं तो आप कह रहेगा तो बच्चा जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो उसको कुछ स्किल्स उसके बाद हाँ। जो बात जाएंगे जी 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 इसके अलावा अभित जी जैसे रीडिंग स्किल्स हैं hmm. बच्चे को किताब पढ़नी आती होती कि hmm, hmm, hmm. पढ़नी कैसे है पढ़ती है उसको हमने समराइज कैसे करना है उसको जी, जी. नोट्स बनाने की आते को बना ला कैसे hmm, hmm. तो उसमें तैयारी ये चाहिए कि ये थी 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 थी। जब तैयारी करता है तभी तो आएगी नहीं सर इसमें दो तरीका है या तो अगर वो पहले से पढ़ रहा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका टेंथ से ट्वेल्थ से ड्रीम हो जाता है कि मुझे आई बनना है तो वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन एक घर में कोई है तो गाइड करता रहता है अगर नहीं हुआ है ऐसा तो उसे क्या करना चाहिए पहले तो हम फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स तो बना नहीं चाहिए सर क्योंकि आप, आपने खुद देखा होगा आपने खुद इतना इंस्टीट्यूट चलाते इतना बड़ा जिसका नाम है इतना बड़ा तो उसमें क्या है सर कि एक बार जब हम रीड करते हैं दूसरी बार रीड करें तो अब कई सारे पॉइंट निकल के आएंगे कि ये तो मैंने छोड़ दिया था तो कम से कम तीन से चार रीडिंग के बाद हमें उस चीज़ को नोट्स पे आना चाहिए और उसको हमें भले ही फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में तो फर्स्ट टाइम में टाइम लेके पढ़ें दूसरे टाइम में और एक पढ़ने का तरीका ये भी है कई बार सर कि जैसा कि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि जैसे फर्स्ट डे हमने एक दस पेज पढ़ लिए सपोज और इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दस पेज के आगे पढ़ना है सो so अब ये हम नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं आफ्टर टेन पेज ही स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर हम टेन पेजेस जो पढ़ चुके हैं उन्हें रीड नहीं करना बट एक बार आप अगर अपनी नजरों से भी देखते जाते हैं तो आपकी जो आइज होती हैं, वो रीड कर लेती हैं उसको कि ऑटोमेटिकली आप देखिए कभी कभार कि हम पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कोई भी तो उसे रोज पढ़ता थोड़ा ना कोई वो पेज पलटता रहता है और चलता रहता है मुंह से क्योंकि आंखें रीड कर रही होती हैं तो सेम चीज़ें क्या है ना कि वो बार बार आपके वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पढ़ाई वाली ये प्रिम से बहुत काम आती है कि जब अचानक से क्वेश्चन आता है उसका ऑप्शन दिया होता है तो तुरंत आंखें रीड करके रिकॉल करके उसका आंसर दे देती हैं आपने भी किया होगा मैंने भी किया हम तो एक साथ ही किए हैं कि अलग अलग इसमें क्या ही करेंगे हमें पढ़ना एक चैप्टर ही पढ़ना जैसे मान लो कि हम इंडस वैली पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली में अब मेन्स कहाँ से अलग से छाटे से अलग से छाटे

Mm. तो सर, सर।, सर। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि निकल जाए तो सर रा, आंसर राइटिंग का आप और प्रैक्टिस करवा सकते हो तो बेसिक तो सेम ही रहेगा दोनों का सेम रहेगा अगर पिलिम्स नहीं रेडी है तो मेन्स नहीं रेडी हो पाएगा मेन्स रेडी नहीं है तो पिलिम्स नहीं हो पाएगा और समझने वाली बात यह सर कि अगर आप आठ से दस साल का पेपर उठाएं तो कोशिश देखिए आप कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आते हैं उसी से रिलेटेड मेंस में होते हैं अब मेंस रिलेटेड प्रीलिम्स में आते हैं तो अब इंटरकनेक्टेड है दोनों क्वेश्चन जब इंटरकनेक्टेड है तो हम इसे अलग कैसे मान सकते हैं इशूज तो वही है बस उसमें थ्योरी में लिखना है इसमें ऑप्शन में देना है ऑब्जेक्टिव है बस फर्क इतना है तो हम उस चीज को ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा पढ़े उसके लिए इतना अगर हम मेन्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही उसको पढ़ लेंगे तो हमारे प्रेलम्स में जो आ रहा है एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे अब आप सोचिए कि अगर जो प्रिलम्स की कर रहा होता वो सोचता कि मेंस में मुझे क्यों आएगा क्यों मेंस में छोड़ देता वो प्रिलम्स के बाद और जिसने उन्हें पढ़ाया है कि भाई दोनों चीजें दोनों में इंपॉर्टेंट है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा मतलब तो इस बार देखिए क्लाउड कॉस्ट पे क्वेश्चन आया है हाँ। तो वो बच्चा प्रिलम्स में भी तो वही पढ़ेगा कि क्लाउड कॉस्ट क्यों होता है हाँ कोई सर सेम ही है सारा बस हमने एक मिसकॉन्सेप्शन बना रखा है कि इस बच्चों को एक अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हम बच्चों को अपनी तरफ खींच लें कि एक ये चीज भी है मेरे पास अलग प्रोडक्ट है तो वो अलग प्रोडक्ट दिखाने के लिए ना कि हम ये चीज़ें आ जाती है जैसे मेकअप का सामान होता है इससे ये चीज़ें हो जाएंगी इससे ये चीज़ें हो जाएंगी चेहरा वैसे ही रहना है तो सेम यही चीज़ें हैं कि एक चीज़ एक ही है जो आपको क्वालिफाई करना है जीएस पढ़ना है अच्छे से मेहनत करनी है सारे सब्जेक्ट हमने उसके प्रोडक्ट बना रखे हैं अलग अलग उस प्रोडक्ट को पढ़ना जरूरी है बट हम ऐसे अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं डबल मेहनत क्यों करना है हमें हम उसी मेहनत पे क्यों नहीं कर रहे कि भाई जहां एक घंटे प्रिलिम्स के लिए दे रहे हैं दो घंटे तीन घंटे मेंस के लिए हम एक साथ ही पढ़ें और दोनों की पी वाई क्यू सामने और दोनों के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें तो दोनों के तो दोनों के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और एनालिसिस भी आ जाएगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वो आप